इतने रुपए तुमने शायद अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे। ये लो, अच्छा मुझे ना। और याद रहे, इस शहर में आज के बाद तुम कभी नहीं दिखोगी। अपनी बहन से क्या कहना है वो मैं कहूंगा। जी बाबूजी, हम आज ही अपने गांव चले जाएंगे। जाओ जाओ। जन्म लेते ही तेरे माथे पर तो हरामी की मोहर लग गई, लेकिन मैं अपनी बहन के माथे पर यह कलंक कटी का नहीं लगने दूंगा, नहीं लगने दूंगा। तुम तो धर्म की राह पर चल पड़े फादर फ्रांसिस, मगर अपने पाप को किसके हवाले करके जाओगे? मेरा पाप? हां, तुम्हारा पाप, तुम्हारे झूठे प्यार की जीती जागती निशानी, तुम्हारा बेटा। बेटा? ये मेरा बेटा है? तुम्हारे कुकर्म की सजा तो यह है फ्रांसिस, कि तुम इस बच्चे को बाप का नाम भी नहीं दे सकते, क्योंकि तुमने गुनाह तो किया मगर उस गुनाह का प्रायश्चित नहीं किया। यह बच्चा तुम्हें हर पल तुम्हारे उस गुनाह की याद दिलाता रहेगा। धर्म के रास्ते पर चलने वाले के पीछे जब भी उसके पापों की गूंज सुनाई पड़ती है फ्रांसिस, तो ना ही उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती है और ना ही उसके धर्म को शक्ति मिलती है। तुम्हारी भी यही सजा है फ्रांसिस। हाँ, और एक बात याद रखना, इस बच्चे का नामकरण मैंने किया है और इसका नाम है कृष्णा। एक धुन है, एक लगन है, अपने धुन में जो मगन है। एक धुन है, एक लगन है, अपने धुन में मगन है। जिसके रग रग में अगन है, जो निरंतर जल रहा है, सच के पथ पे चल रहा है, सुर सजाता है जो अपने, टूटते नहीं जिसके लय। लोग सब के जीवन भर ईश्वर से ये मांगते रहते हैं, वो मांगते रहते हैं, मगर उसे भूल जाते हैं जो उसने दिया है, और वो है जिंदगी, जिंदा रहना। जी तो रही हूं भाई साहब। नहीं इंद्रा, इसे जीना नहीं कहते। पिछले 7 सालों से मैं तुझे यही समझा रहा हूं कि तेरा बच्चा जिंदा नहीं, मरा हुआ पैदा हुआ था। भूल जा उसे, वो एक हादसा था, एक भयानक ख्वाब था वो। भाई साहब, काश फ्रांसिस ने मिलते ही इनकार कर दिया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे रंगीन सपने दिखाए गए और मैं आंखें मूंदे बढ़ती चली गई एक ऐसे रास्ते की तरफ जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। जब आंख खुली तो उस रास्ते पर मैं अकेली ही थी।
मेरी मोहब्बत जिस पे मुझे नाज था वो दम तोड़ चुकी थी, और तब मैंने जाना कि वो मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना बड़ा धोखा था, और वो मीठी जुबान कितनी जहरीली। आज के बाद इन आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता मैं। सुन, मैंने एक फैसला किया है जो तुझे मानना होगा। अगर हमारे मां बाप भी जिंदा होते तो वो भी यही करते। ये शादी का जोड़ा है इंद्रा, इसे इनकार मत करना। आपने मुझसे ब्याह करके मुझे नया जीवन दिया है। अगर आप आज चाहें तो मेरे बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। सब कुछ जानता हूं मैं तुम्हारे बारे में, जन्म जन्मांतर से जानता हूं मैं तुम्हें, क्योंकि हर जन्म में तुम ही मेरी बीवी रही हो। तुम ही हो मेरी जाने तमन्ना, जाने बहार, जाने जिगर, जाने जान, जाने मन, सब कुछ, सब कुछ। कृष्णा, कृष्णा! कृष्णा, कृष्णा! चल नहीं तो माता जीती को फिर गुस्सा करेंगे। तू जा, मैं आ जाऊंगा। मेरा क्या, मैं जा रहा हूँ, तू कभी सुधरने वाला नहीं, मैं जा रहा हूँ। खबरदार, जो ऐसा फिर कहा तो। लेकिन वो लड़के, खामोश, दफा हो जा यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से, जा मैं कहता हूँ जा। रास्ता बता, मैं क्या करूं, मैं कृष्ण को कैसे समझाऊं मां, मैं उसकी परवरिश करूं तो कैसे करूं, गुस्से से भरी उसकी आत्मा को शांत करूं तो कैसे मां, कैसे उसको कैसे बताऊं कि वो हराम की औलाद नहीं है मां, हराम की औलाद नहीं है, मैं उसका बाप हूं। दिन से रोज आ रहा हूं यहां राणा प्रताप, मुझे बैठने के लिए नहीं कहते, इसका मुझे दुख नहीं, पर इतना तो बता दो कुछ पता लगा मेरे बच्चों का। आवारा पंछी की तरह होते हैं धर्मात्मा फ्रांसिस, या तो वो कहीं मर खप गए होंगे, और अगर जिंदा हैं तो गुनाह की दुनिया में उन्होंने अपना पसेरा ढूंढ लिया होगा। दुआ नहीं दे सकते
तो मेरे बच्चों को ऐसी बद्दुआ तो मत दो। बल बुद्धि विद्या देहु मुहे हरहु कलेश विकार। हे प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं अपनी बेटी के साथ इन दो अनाथों का भी पेट पाल सकूं। प्रभु जय प्रभु जय राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम। जग्गू तू? हाँ मैं जग्गू तेरा सौतेला भाई, जेल से वापस आ गया हूँ बदला लेने। तूने ही मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी ना? हाँ गवाही दी थी, क्योंकि सच बोलना मेरा धर्म है। खून करना तेरा मेरा कर्म है। इस लड़के की भोली सूरत ना देखिएगा, देखिएगा इसका कर्म, जो कि कितना भयानक है, कितना जहरीला है। जिस महान आदमी ने इसे अपने घर में शरण दी, बना दी, इसने उसी का उसके रिश्तेदार का खून किया, खून कत्ल किया है इसने। मेरी आपसे दरख्वास्त है मिलॉर्ड कि इस लड़के को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि सबको पता चल जाए कि हमारा समाज कानून और इंसाफ की बुनियाद पर खड़ा है। सब गवाहों के बयानात सुनने के बाद यह अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि मुलजिम कृष्णा को 10 साल के लिए बाल सुधार केंद्र में भेज दिया जाए। जाओ अंदर जाओ। आजा आजा आजा। क्या कर रहा है कृष्णा? तुझे कमिश्नर साहब ने बुलाया है, चल जल्दी। अरे आज तेरी रिहाई का दिन है। अरे आओ कृष्णा आओ। तुम्हारी रिहाई का बड़ा अफसोस है मुझे। दोबारा कब आ रहे हो? आपके रिटायर होने से पहले यहां जरूर आऊंगा। जेल के फंदे बंदे बदलवा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लटकते ही टूट जाए। हाँ लेकिन एक बात जरूर है, तुम्हारे रहते हुए जेल में शांति बड़ी रहे। बड़े से बड़ा खूंखार मुजरिम भी भीगी बिल्ली की तरह रहता है। जब खुद से संभालते ना बने बुला लीजिएगा, आपकी ड्यूटी भी मैं दिया करूंगा। आइए आइए ग्रेट फादर फ्रांसिस। कृष्णा तुम्हारी याददाश्त तो बचपन से तेज रही है, इन्हें तो पहचानते हो गए धर्मात्मा द ग्रेट फादर फ्रांसिस। कुछ जख्म ऐसे होते हैं कमिश्नर साहब, जो वक्त के साथ भर तो जाते हैं लेकिन निशान जिंदगी भर रह जाते हैं। अपने इस लाडले साहबजादे को देखकर खुश नहीं हुए? क्या ये कृष्णा मेरा बेटा, मेरा बच्चा? अरे वक्त इतना गुजर गया कि मेरा बेटा जवान हो गया है। मैंने तुमसे एक वादा किया था फ्रांसिस, जो आज पूरा कर दिया। तुम्हारा बेटा बचपन में जेल में गया था और आज जवानी में जेल से निकला है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, इसकी अर्थी को कांधा देने भी तुम्हें ही आना होगा फ्रांसिस। नहीं। हाँ क्योंकि तुम उन खुशकिस्मत बापों में से नहीं हो जिनकी अर्थी को कांधा बेटे देते हैं। कृष्ण बड़ा हो गया,
अरे वो मुझे बताते नहीं तो मैं तो तुझे पहचान भी नहीं सकता था। देख कृष्णा, मुझे कहने का हक नहीं है पर कहूंगा जरूर। देख, ऐसा कोई काम मत करना जो फिर से तुझे इस चार दीवारी में लाकर खड़ा कर दे। हमने हमारी जिंदगी के 16 साल इन चार दीवारी में काटे हैं फादर फ्रांसिस। यहां के पत्थरों ने हमें सिखा दिया है जीने का तरीका। अब मेरी चिंता ना करें। कृष्णा, तेरा ही नाम कृष्णा है ना? कमाल है, जेल के बाहर भी लोग हमारा नाम जानते हैं। लक्ष्मण सेठ और जीवा सेठ ने तुम्हें बुलाया है, चलो हमारे साथ। और अगर मैं तुम्हारे साथ चलने से इनकार कर दूं तो? तो हम तेरे को उठा कर ले जाएंगे। राजा, अब तो तुझे लेके ही चलेंगे। तू भी तो मुझे रख ली। कैसा लगता हूं? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। चल कहां? घर। मेरा कोई घर नहीं है। है, एक घर है। चल तरह देख ले, नहा धोकर कैसा मक्खन लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा तुझे खा डालूं या कहीं मल डालूं। ये देखने में मक्खन है लेकिन है असली फौलाद। खाएगी ना तो बदहजनी हो जाएगी और मलेगी तो फिसल जाएगी। इतनी भी मैं नाजुक नहीं, अब ढंग के तेरे कपड़े सीने हैं। हाँ ए, औरत भी कभी मर्द के कपड़े सीती है क्या? मर्द को जन्म दे सकती है तो कपड़े भी सी सकती है। देख कृष्णा, सीधी तरह खड़ा हो जा वरना छत से उल्टा टांग दूंगी। हाँ। कॉलर 16 इंच। सीना 40 इंच। कमर, अरे 30 इंच। 20 इंच। वाह, क्या कर रही है? चौबीस इंच। अरे क्या कर रही है, क्या कर रही है तू? क्या हुआ? कुछ करंट से लगा। करंट तुझे कैसे लगा? करंट तो मुझे लगना चाहिए तुझे छूकर। चल पीछे मुड़। पीछे क्यों? माप लेना है भाई।
नाप ले रही क्या? अपनी तबीयत साफ कर रही है। क्या मतलब है तेरा? चल सीधे तरह खड़ा हो जा। अरे खड़ा होके बर्बाद होना है क्या? मैं ये नाप आपके चक्कर में आने वाला नहीं। ये नाप का भी बाप है। तुम लोग किसी को प्यार कहते हो ना? मैं सब जानता हूँ। ए कृष्णा, काय को हैरान परेशान करता है? संकस करता है? ठीक है, अभी दिखाती हूँ।
लगता है बहुत पिटाई की है तुम लोगों की, बहुत मार पड़ी है, बहुत मार। मैं तो बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं। ये लो तुम्हारा बख्शीश, ये लो तुम्हारा बख्शीश, ये लो तुम्हारा इनाम। हे जीवा, ये क्या कर रहा है? अरे रुपया लक्ष्मी है, तू उसे लुटा रहा है? अरे कृष्णा कौन है? हमारे इतने आदमियों को मारा, ऊपर से तो खुश हो रहा है? मैं धन लुटा नहीं रहा हूँ लक्ष्मण। मुझे ये बता कि इस दुनिया में सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन क्या होता है? सोना, चांदी, हीरे, रुपया, बहुत सारा रुपया। नहीं नहीं, इससे भी बड़ा धन है इस दुनिया में, और वो है पुत्र धन। किस काम का ये रुपया दौलत अगर इस दुनिया में अपना पुत्र ना हो? लेकिन तेरा एक बेटा तो है ना? है नहीं था, हंसता गाता मुस्कुराता एक ही तो बेटा था मेरा, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी आंखों का नूर, चश्मे बद्दूर, हैंडसम ही मैन। आप जानते हैं आपके बेटे ने क्या किया है? एक मासूम भोली भाली 15 बरस की लड़की किया है। मैंने कब कहा नहीं किया है, किया है। जोश है, जवानी है, होता है। और नशे की हालत में उस लड़की का उसने कत्ल भी किया है। जवान लड़का है, खून में गर्मी है इंदिरा जी, क्या करेंगे, जमाना देखिए, 24 घंटे स्टार टीवी, एमटीवी, क्या क्या होता है जी। और उसी नशे की हालत में आपके बेटे ने उस लड़की को उठाकर 10 माले की बिल्डिंग से नीचे फेंक दी। तो क्या हुआ इंदिरा जी, दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन ने उस मदनपुरी को 20 माले की बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था, यकीन मानिए थिएटर में तालियां पड़ी थी, तालियां। ये थिएटर नहीं है और ना ही मजाक की बात। मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, इसलिए तो कीमत चुकाने आया हूँ। रुपया हरे हरे नोटों के बंडल नहीं, पूरी ब्रीफकेस भरकर लाया हूँ, 500 की गड्डिया है। शट अप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में आकर मुझे रिश्वत दे रहे हो? गेट आउट, आई से गेट आउट। फांसी पर लटका दिया मेरे बेटे को इंदिरा सिन्हा ने। जिस दिन मैं अपने हाथों से अपने बेटे की चिता को अग्नि दे रहा था, उस दिन मुझे पता चला कि धर्म और कानून की रखवाली इंदिरा सिन्हा का भी एक हरामी और नाजायज पिल्ला जेल के सलाखों के पीछे सड़ रहा है, और उसका नाम है कृष्णा। मेरा इंतकाम इंदिरा सिन्हा की मौत नहीं है लक्ष्मण। मैं चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए जिस दिन इंदिरा सिन्हा अपने बेटे कृष्णा को अपने हाथ से फांसी के तख्ते पर लटकाने का फैसला करे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, और इसलिए मुझे कृष्णा चाहिए, कृष्णा। अरे रुक, बोला ना तेरे को अविनाश इम्तिहान दे रहा है, बाद में मिल लेना उसे। मैं अपने दोस्त से अभी मिलूंगा, अभी। अरे अरे आप चल रहे, अंदर एग्जामिनेशन चल रहा है। कृष्णा मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुझे तो छोटा सा छोड़कर गया था रे, तू तो लंबा चौड़ा गबरू जवान हो गया है। आज ही छुटाना तू, हाँ, और मैं होके तुझे लेने के लिए जेल के दरवाजे पर भी नहीं आ सका, क्या करता यार? परसों तूने पत्थर तोड़ तोड़ कर मेरी किस्मत बदल दी, आज वकालत का आखिरी एग्जाम है, तेरे सपने को अधूरा छोड़कर भी नहीं आ सकता हूं मैं। तू वकील बन जाएगा, फिर तो मुझे पूरा यकीन है किसी खूनी गुंडे के कत्ल के इल्जाम में कोई निर्दोष बच्चा जेल नहीं जाएगा। ऐसा ही होगा, जरूर होगा। मिस्टर अविनाश, अगर यही पर वक्त जाया करोगे तो इम्तिहान का वक्त निकल जाएगा। अरे भाई तो वक्त बढ़ा दो ना, देखा नहीं बरसों बाद मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। ए कृष्णा, इधर आ रे कृष्णा। अरे ये इम्तिहान हो रहे हैं,
अविनाश कोई दर्जी की दुकान पर नहीं बैठा है जो कपड़े आज नहीं सिले तो कल आ जाएंगे। अविनाश तू इम्तिहान देकर घर आ जा, तब तक मैं इसे समझा बुझा कर घर ले जा। अरे मुझे नाप नहीं देना, मुझे नाप नहीं देना। डैड चाय मैंने बनाई है और आप दोनों को पीनी ही पड़ेगी और फिर तारीफ भी करनी पड़ेगी। भाई आज तो चाय हम भी पियेंगे। आइए आइए साले साहब, बस आप ही का इंतजार था। वाह कैसी हो इंद्रा? अच्छी हूँ भैया, मैं भी आई। हाँ जी कैसी हो बेटी? कैसी लग रही हो मामा जी? फर्स्ट क्लास, टेरिफिक। थैंक यू। और मैं यार साले साहब तुमसे एक शिकायत है। शिकायत? जब से हमारी शादी हुई है तुमने मिलना जुलना ही बंद कर दिया है। पहले शाम को आते थे, दारू वारू पीते थे, एक दिन आओ ना यार, हो जाए। हाँ हो जाए। पापा डॉक्टर ने आपको शराब पीने के लिए मना किया है, जहर है आपके लिए। अरे भाई जहर ही जहर को मारता है। क्यों प्रताप, ठीक कह रहा हूँ ना? यार तू गलत बात करता कब है। डैडी कहाँ है? साहब मीटिंग में बिजी है। उनसे कहो मैं मरने जा रही हूँ। ठीक है। हेलो, स्टॉप इट, स्टॉप इट। ये तुम क्या कर रही हो? आत्महत्या। लेकिन क्यों? मैं उसके थर्ड ग्रेड घर में गई थी, उसकी सी ग्रेड चाय पी। इतनी शक्कर डाली हुई थी कि कड़वाहट के मारे अभी तक बुरा हाल है। फिर पता है उसके मटके का पानी पिया, टोटली अनहाइजीनिक। पता है फिर क्या हुआ? क्या? तो मैंने उससे कहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ, तो उसने मुझे पागल कहा और घर से भी निकाल दिया। कूल डाउन बेटे। बेटे बोलो क्या पियोगी? वनीला मिल्कशेक विद आइसक्रीम। वन वनीला मिल्कशेक विद आइसक्रीम। वनीला मिल्कशेक विद आइसक्रीम। थैंक्स। यू वेलकम। आप ही बताइए ना डैडी, क्या जमाना आ गया है। आपने कभी ऐसा लड़का, वो भी दिल का कड़का, कभी देखा है? जमाना बड़ा तेज हो गया बेटी। क्या है कि आजकल अच्छा चूल्हा और अच्छा दूल्हा मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है, एक लंबी क्यू लगी होती है। लेकिन मेरा नाम भी अशोक सिन्हा है। ऐसा आइडिया लगाऊंगा कि तुम्हारे गले में माला पहनाकर तुम्हारे पांव के नीचे आ जाएगा। तो जल्दी से बताइए ना डैडी कैसे। ठीक रहो, कान नजदीक करो नहीं तो पब्लिक सुन लेगी। इस गाड़ी को सीधा अदालत ले जाओ, अब हमारी मुलाकात सिर्फ अदालत में होगी। जी? अरे बेवकूफ, गाड़ी को इंदिरा मेम साहब के पास ले जाओ, अब इसकी जरूरत होने पड़ेगी। जाओ। पापा। हाँ बेबी, किसका कत्ल करना है? कत्ल नहीं पापा, आपको सिर्फ उसे मारना है। अरे वही फिल्मी अंदाज में ऐसा ही बोलते हैं कि कत्ल करना है, लेकिन मारपीट पर समझौता हो जाता है। हाँ तो बताओ किसका? लेकिन पापा ऐसा है कि आप उसे जोर से नहीं मारना हो। हाँ अशोक सिन्हा के दामाद को थप्पड़ भी पड़ेगा तो लोग कहेंगे कि फूल बरस रहे हैं। खुफिया प्लान ये है रॉबर्ट। अरे लिली डोंट बी सिली, जैसे वो चिल्लाएगा बचाओ बचाओ तुम्हाना उसको बचाना, वो कहेगा आपने मेरी जान बचाई इसका शुक्रिया, तुम कहना कि ये तो मेरा फर्ज था। बस ये होता है मोहब्बत का पहला सीन। और क्या है यार? पापा वो देखो, वो रहा। मैं छुप जाती हूँ। हाँ तो ये है मूंछों वाला हैंडसम ईमान। चल बेटा अशोक जरा तैयार हो जा। पहलवान चल भाई हफ्ता निकाल। चल हफ्ता? कैसा हफ्ता, किसका हफ्ता भाई? ये तो सड़क पर चल रहा ना, इसलिए ये म्यूनिसपैलिटी की है। और ये तू खाना खा रहा ना, ये अपन का। फटाफट हफ्ता निकाल। चल तू कौन है भाई? भाई एक पहचाना भाई, लेकिन अपन का नाम है कल्लू भाई। ए जल्दी से यहाँ से फूट, नहीं तो एक रपचिक दूंगा ना सारी हवा निकल जाएगी। चल बोला ना अब तक निकाल। चलो भाई। ये चाकू है, हाथ में लग जाएगा ना तो खून निकल आएगा। राजकुमार का डायलॉग बोलता है, पता है मुझको भी एक डायलॉग आता है, जिनके खुद के महल शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। चुनाव से क्या निकाल। देखिए आप जो भी हैं, पर हमारा आपसे लड़ने का कोई इरादा नहीं।
और रही आपके हफ्ते की बात, तो जब हमारे पास पैसा होगा आप पहुंचा देंगे। ए चिकने तू पीछे हट, मुझे पहले इससे निपटने दे। हाथ को लिया कर दे। हले हुर्रा यस। पापा पापा, वो आपका दामाद नहीं, उसका दोस्त था। माफी नहीं हुआ, वो सोने से मेरी क्या हालत कर दी है। वक्त जो माफी मालो। पापा आप यहाँ रुकिए, मैं आपके लिए एक ऑटो लेके आती हूँ। आई वक्त वक्त क्या है मेरा, वक्त क्या मेरा हालत। तेरा गाड़ी रोको, बेचारा कोई भूखा लगता है। गाड़ी पीछे ले लो। अब भाई ले। ए भाई ये लो, ये रख लो अपने पास। गूंगे हो, कुछ खा पी लेना, चलो। डैडी। यस माय डार्लिंग। प्रॉब्लम इज दिस डैडी, साला किसी भी सूरत में नहीं फंसता। अरे फंसेगा फंसेगा, उसका बाप भी फंसेगा। डैडी मुझे उसके बाप को नहीं फंसाना। अरे सॉरी सॉरी, मेरा मतलब है वो फंसेगा, उसको फंसना पड़ेगा यार। अब देख तेरा डैडी अपने दिमाग की दुकान से क्या फ्यूचरिस्टिक आइडिया निकाल कर दे रहा है, साला किसी सूरत में फेल ही नहीं हो सकता यार। सच डैडी? हाँ। जल्दी बताइए। कान इधर लाओ, ये तो पब्लिक सुन लेगी। बेटी ये राज की बात है, मोहब्बत का हिट फार्मूला, ये कभी फेल हुआ ही नहीं। लैला ने मजनू को पटाया था गाना गा के, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तू भी गाना गाना गाना। मैं कैसे तुझे दिल दूं, दिल दूं, दिल दूं। सुन मेरी छेला है तुझ पे ये लैला, कई सदियों से है कुर्बान। नहीं मैं दीवाना, मेरे पीछे तू ना आना, होगा मुझ पे बड़ा एहसान। ओ बाबू जरा दिल दे, दिल दे, दिल दे। मैं कैसे तुझे दिल दूं, दिल दूं, दिल दूं। कैसे तुझे दिल दूं, दिल दूं, दिल दूं।
पीछे तू न आना होगा मुझ पे बड़ा एहसान। ओ बाबू जरा दिल दे, दिल दे, दिल दे। मैं कैसे तुझे दिल दूँ, दिल दूँ, दिल दूँ। नमस्ते 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 मिसेस सिन्हा। नमस्ते। आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहिए। वो क्या है कि आपकी लड़की बड़ी हो गई है, मेरी इन बहन का लड़का बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। क्या है कि बंगला है, गाड़ी है और ऊपर से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और उसकी माँ चाहती है कि उसका घर जल्दी से बस जाए, तो मैंने सोचा कि वो उसके पिताजी क्या करते हैं जी। पिताजी पिताजी एक नंबर के जुआरी हैं, शराबी हैं, बस यही खराबी है। लेकिन माँ बेटे का उसके साथ कोई रिश्ता नहीं, नफरत करते हैं दोनों उससे। मिस्टर दुबे, दुनिया की नजर में तो वो उसका बाप ही है ना। इस रिश्ते की बात करने से पहले आपने सोच क्यों नहीं लिया कि आप किस खानदान से रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि मेरी बेटी एक जुआरी के घर की बहू कहलाएगी? सड़क पर चलते लोग उस पर उंगलियां उठाएं? आप उनसे जाकर कह दीजिए कि अपने बेटे के लिए रिश्ता किसी क्लब में ढूंढे, वहां उन्हें बहुत सारे जुआरियों की बेटियां मिल जाएंगी। नमस्ते। अरे सटिया गए हो दुबे साहब, रिश्ते हमेशा बराबर के खानदानों में हुआ करते हैं। अरे चुप, बड़ा है रिश्ते वाला। दुबे साहब से मिलना है। मूड खराब करके चली गई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जानता हूँ जानता हूँ, ये गोल्ड मेडलिस्ट है। अरे भैया, किताबी कानून अलग होता है और अदालत के दाव पे अलग होते हैं। गोल्ड मेडल जीत कर अपने आप को कोई 30 मार का मत समझ लेना, समझे? सर ये मेरे सर्टिफिकेट्स और एप्लीकेशन है। सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन देखते हैं। अरे भैया, एप्लीकेशन फॉर्म तो ठीक से भरा होता, ये क्या सिर्फ अविनाश, ना कुछ आगे ना कुछ पीछे। मुझे सिर्फ अविनाश कहते हैं। अच्छा बाप नहीं? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, माँ का नाम भर सकते हो। मेरा नाम सिर्फ अविनाश है, दरअसल मैं इस दुनिया में अनाथ पैदा हुआ हूँ। हाँ समझ गया समझ गया समझ गया, मतलब तुम किसी की अयाशियों का नतीजा हो, यानी कि समाज के नाम पर एक धब्बा हो। देखो भैया, मैं ठहरा इस शहर का एक नामी वकील, बड़े बड़े घरों के, बड़ी बड़ी कंपनियों के मुकदमे लड़ता हूँ मैं, मुझे माफ करो। अरे क्यों मेरी प्रैक्टिस बंद करवा रहा है? जाओ बेटे जाओ जाओ। क्या कर रहा है यार, छोड़ना टूट जाएगा। मतलब तुम किसी की अयाशियों का नतीजा हो, समाज के नाम पर धब्बा हो। तुम किसी की अयाशियों का नतीजा हो, समाज के नाम पे धब्बा हो। हाय हैंडसम, तुम्हारी सूरत बता रही है कि तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। एक तरफ तुम्हारी नौकरी पक्की, दूसरी तरफ हमारी शादी पक्की। अच्छा ये बताओ कि तुमने क्या डिसाइड किया है? स्वीट हार्ट, आज शादी की बात पक्की कर ही डालते हैं। जब हस्बैंड और वाइफ राजी तो क्या करेगा कोई काजी। अगर तुम्हें मंडप पसंद नहीं ना, तो हम मंदिर में कर लेंगे। अगर मंदिर पसंद नहीं तो हम अदालत में कर लेंगे। और अगर अदालत पसंद नहीं तो हम ये शहरी छोड़कर भाग जाएंगे। हम गंधर्व विवाह करेंगे, आई मीन सीक्रेट मैरिज। कहाँ नहीं ढूंढा तुझे अविनाश। उसकी किस्मत में कोई अच्छा लड़का तो बधा ही होगा, लेकिन उसके प्यार को ठुकरा कर तू बड़ा ही बदकिस्मत इंसान बन गया है। तू उसे अपनाता क्यों नहीं? इस क्यों के पीछे तो सारे सवाल छुपे हैं कृष्णा। सवाल यह है कि अमनात क्यों पैदा हुए, सवाल यह है कि अमनातों का साथ ये समाज क्यों नहीं देता, सवाल यह है कि क्यों हमें समझा जाता है, सवाल यह है कि क्यों मैं अपने आने वाली पीढ़ी को खिलवाऊं। जब सुनीता को मैं समाज में कोई दर्जा नहीं दिलवा सकता तो उसे जीने से क्यों रोकूं? कौन सा समाज रे? हाँ किस समाज की बात कर रहा है तू? मुझे देख, मैं खुद में एक समाज हूं और पूरे समाज को मैं जूते की नोक पर रखता हूं। पर एक तेरे खुश होने से सारा समाज मुझे अपना नहीं लेगा। उनकी नजरों में मैं हराम की औलाद था, हूं और रहूंगा। मेरी तकदीर का लेखा तो परमात्मा भी नहीं मिटा सकता। परमात्मा क्या लिख सकता है और क्या मिटा सकता है, ये तो मैं नहीं जानता।
लेकिन ये कृष्णा अपने दोस्त अविनाश को वचन देता है कि तेरे समाज में मैं तुझे जगह दिलवाऊंगा। समाज में रहने वाले ठर्रा नहीं पीते, ब्लैक लेबल पीते हैं। फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा, ये सोसाइटी, ये समाज है क्या बला। समाज, हमारा समाज गुनाहों की बुनियाद पर खड़ा है कृष्णा। इतना बड़ा आदमी उतना ही बड़ा गुनहगार। ये बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले, विदेशी गाड़ियों में घूमने वाले, शराफत का चोला पहनकर धर्मात्मा की तरह रहते हैं, और उनकी इस इज्जत के पीछे उनके गुनाहों का कंकाल छिपा है जो कभी सामने नहीं आने देते। मुझे मेरे दोस्त को आपके इसी समाज में बाइज्जत जगह दिलवानी है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? गुनाह हाँ। तुम्हारे दोस्त को समाज का ठेकेदार हम बनाएंगे, लेकिन कान उल्टी तरह से पकड़कर। इस बारे में मेरे दोस्त को कुछ भी पता चल गया? वो कैसे इतना बड़ा आदमी बन गया इस बात का तो तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। काम बोलो। Under arrest.
साथ आगे बढ़ा। किस खुशी में? सारी खुशियां गम में बदल दूंगा जब पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। कल रात तुम कहां थे? आजकल मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है कमिश्नर। कल रात, अरे दादा, अरे कल रात मैं किधर था? मेरी गोद में। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो जाना? अब तुम्हारे हाथ का दर्द कैसा है? कल रात बिस्तर से गिर गए थे ना, तो मैंने इसे हल्दी लगा दी थी। हाथ दिखा। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये देखना चाहते हैं कि मेरा जिस्म फौलाद का है कि नहीं। जिस्म कितना भी फौलाद का हो कृष्णा, गोली अपना निशान छोड़ जाती है। चलो चलो हाथ दिखा चलो। तुम अब ज्यादा देर कानून के हाथ से बच नहीं सकोगे। ये कहावत सुनी है ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं? ये कहावत बहुत पुरानी हो गई कमिश्नर। आजकल आप अखबार नहीं पढ़ते हो? सुना है चोरों के पैर आजकल ज्यादा दौड़ते हैं पुलिस वालों के मुकाबले। देखो ना कृष्णा, तुम्हारी बड़बड़ में मेरा कितना खून बह गया। पहले ही पैर में चोट लगी थी, फिर कैंची भी वहीं गिर गई। कृष्णा, तुम्हारे खून का एक एक कतरा अविनाश की जिंदगी में खुशियों के नए रंग भर देगा। तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। देखते क्या हो, सोचते क्या हो, आज तकदीर खुद चलकर तुम्हारे पास आई है। हम तुम्हें हमारी सारी कंपनीज का वकील अपॉइंट करते हैं। रहने के लिए फ्लैट, चलने के लिए कंपनी की गाड़ी और 10,000 रुपये महीना। साइन करो। ये क्या कह रहे हैं सर? सर आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? मैंने 10 साल आपके लिए काम किए सर। तुम गधे हो, बुढ़े हो, सठिया गए हो। पुराने जमाने में जब घोड़ा बुढ़ा हो जाता था उसे गोली मार दी जाती थी। आजकल ऐसा नहीं होता। बुढ़ा घोड़ा टांगा खींचता है। तुम जाओ और टांगा खींचो, टांगा। हाँ, बुढ़ा सठिया गया बुढ़ा। आज से ये होनार गोल्ड मेडलिस्ट मिस्टर अविनाश हमारे वकील है। इसे आप नौकरी पे रख रहे हैं मुझे निकाल के? बहुत पछताएंगे आप। ये बुढ़ा घोड़ा नहीं गधा है। ये अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? अबे बुढ़े घोड़े, तू अभी तक यही खड़ा है? चल फुट फुट, अरे जाए यहां से। मुबारक हो अविनाश। थैंक यू वेरी मच सर। तुझे देख के जोश में जवानी आती है, तुझे देख के खून में रवानी आती है। ऐसे आती है दिल में महकती हुई, जैसे बागों में रातों की रानी आती है। चलता
से नशीली मदिरा, मदिरा से नशीली तू। अरे तुझ से नशीली मदिरा, मदिरा से नशीली। चूमने को हर अंग तेरा प्यारा, दिल कर से चूमने को हर अंग तेरा प्यारा। क्या यौवन और क्या जीवन तुझ पे अर्पण सारा। जो मैं अपनी बेटी को खूबसूरत तोहफा देने जा रहा हूं उसके बारे में सिवाय मेरे और कोई नहीं जानता। वो पसंद मेरी बेटी की है लेकिन फैसला मेरा है। आज मैं अपनी बेटी को उसका जीवन साथी और सिन्हा खानदान का होने वाला दामाद तोहफे के रूप में दे रहा हूं। और ये खूबसूरत नौजवान किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इसका नाम है अविनाश। मैं आज अविनाश और अपनी बेटी सुनीता की सगाई का ऐलान करता हूं। प्लीज गिव देम अ बिग हैंड। वाह वाह वाह, आप लोग हैरत में होंगे कि मैं इतना प्रसन्न क्यों हूं, क्योंकि आपकी बेटी के लिए जिस लड़के का प्रस्ताव मैंने रखा था उसका बाप शराबी जरूर था लेकिन लड़का खानदानी। मगर आज आज आपके पति की दरिया दिली देखकर मैं ताली बजा रहा हूं, और जब जब आपको देखूंगा मैं ताली बजाता रहूंगा। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि जिस लड़के से आपकी बेटी की सगाई होने जा रही है, कौन है ये लड़का? कौन है इसके माँ बाप? अरे किस खानदान का चश्मो चिराग है ये? इसकी रगों में किसका खून बह रहा है? ए, अपनी जबान को लगाम दे, नहीं तो ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि आने वाली 7 पुश्तों तक तेरे खानदान में तेरी औलादें गूंगी पैदा होंगी। क्या मैं जान सकती हूँ कि इस मामले में दखल देने वाले आप कौन हैं? जिस महान आदमी ने इसे अपने घर में शरण दी, बना दी, इसने उसी का, उसके रिश्तेदार का खून किया, खून कत्ल किया है इसने।
जानना चाहती हैं इस मामले में दखल देने वाला मैं कौन हूं? आपके समाज के सामने एक अनाथ दूसरे अनाथ के मामले में दखल दे रहा है। मैं अपनी बेटी की शादी किसी से नहीं करूंगी, ये मेरा पहला और आखिरी फैसला है। आज फिर से एक बार आप दो प्यार करने वालों को सजा दे रही हैं। ऐसा मत कीजिए, अविनाश बहुत अच्छा लड़का है, क्या कमी है इसमें? नौजवान है, पढ़ा लिखा है, बचपन से लेकर आज तक ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चला है। मैं आपको वचन देता हूं, अविनाश सुनीता को इतना प्यार, इज्जत और सुख देगा जो कभी कोई किसी को दे नहीं सकता। एक अनाथ का वचन और एक अनाथ की मोहब्बत धोखा है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता वो सिर्फ एक धोखा है जो जिंदगी के किसी भी मोड़ पर धोखा दे सकता है। मैं अपना सर कटा सकती हूं लेकिन सोसाइटी के सामने सर झुकाकर नहीं जी सकती। मेरी बेटी की शादी एक बास्टर्ड के साथ कभी नहीं होगी। वाह वाह इंदिरा सिन्हा जी वाह, बास्टर्ड, हरामजादा, हराम की औलाद, आप लोगों ने कितने सारे नाम दिए इस मासूम बच्चे को जो इस दुनिया में बिन माँ बाप का नाम लिए पैदा होते हैं। मैं पूछता हूं, क्या यह बच्चा आसमान से टपक पड़ा या धरती फाड़ का जन्म लिया है? अगर यह किसी पाप की निशानी है तो पापी कौन है, यह बच्चा या उसके माँ बाप? अगर इसे कोठे से फेंक दिया गया है तो वो कोठा किसने बनाया? कोठे आबाद ना होते तो तुम्हारे घर बर्बाद हो जाते। अब लोग खानदानी और शरीफ इसलिए हो कि आपके पाप पर्दे के पीछे हैं, और हम हिकारत के हकदार सिर्फ इसलिए हैं कि हम निर्दोष होते हुए भी गुनेगार। लेकिन एक बात याद रखना इंदिरा सिन्हा जी, ये बच्चा इस समाज का हिस्सा है और आपके इस समाज को इसे अपनाना होगा। तो तुम भी आज एक बात अच्छी तरह सुन लो कि मैं इंदिरा सिन्हा मरते मर जाऊंगी, पर आने वाले 100 जन्मों तक अपनी बेटी की शादी किसी लावारिस से नहीं करूंगी। इस जन्म में तुम्हारी बेटी की शादी होगी और एक लावारिस के साथ ही होगी, और उसका नाम है अविनाश। तुम्हारी खानदानी रस्में कस्में टूट सकती है मैडम, लेकिन इस हरामी का वचन कभी नहीं टूटेगा। देखो तुम समझदार और पढ़े लिखे, तुम्हारा दोस्त कृष्णा अनपढ़, जाहिल और जानवर आदमी है। ये इल्जाम उस पर लगवा देंगे, तुम्हारा घर बस जाएगा। और याद रखो, हर कामयाब इंसान के पीछे कोई ना कोई गुनाह तो होता ही है, लेकिन इसके तुम्हें भी एक छोटी सी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। क्या बगैर ये देखो, ये हीरे तुम्हारे दोस्त कृष्णा ने हमारे लिए चुराए थे। कृष्णा चोर? अरे बरखुरदार, हर काम की कीमत देनी पड़ती है, और कृष्णा हमारे लिए काम करता रहा है। हमने तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पे बिठा दिया है। ये हीरे लेकर तुम बैंकॉक जाओगे और कस्टम में किसी को कोई शक कोई शुबा नहीं होगा। इन हीरों की चोरी का इल्जाम भी हम कृष्णा पर डाल देंगे। अरे भाई घबराओ नहीं, उसे कोई फांसी वांसी नहीं होगी, कानून हमारी जेब में रहता है। बस यही 3-4 साल की सजा हो जाएगी, और वैसे भी तो उसको जेल में रहने की आदत है ही। अपनी मोहब्बत को पाने के लिए अब ये कीमत चुकानी पड़ेगी मुझको? बच्चा जब तक रोता नहीं माँ उसे दूध नहीं पिलाती। कौन सी माँ, क्या होती है माँ? बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ एक आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा है, और वो है कृष्णा। अगर यही कीमत है मोहब्बत की तुम लोगों के समाज में रहने की, तो थूकता हूं मैं तुम पर और तुम्हारे समाज पर। तोता मिर्ची नहीं खाता? बंदर है बंदर। मैं तेरे प्यार के सहारे जी लूंगा कृष्णा, पर इस बोझ के नीचे दबकर नहीं जी सकता जिसमें गुनाह का जहर भरा हो। हमारा पत्ता साफ करने चले थे, हमारा जिंदगी जीता। अरे जाओ जाओ, आवारगी के लिए 100 दरवाजे खुले मिल जाएंगे। भागो भागो, अरे भागो। तुम्हें साहब, ना मैं भाग रहा हूँ और ना ही आवारों की जिंदगी जीने का कोई शौक है मुझे। मैं एक दिन सारी दुनिया को दिखा दूंगा कि ईमानदारी और सिद्धांत पर चलने वाले अपना इतिहास खुद लिखते हैं।
और वो इतिहास मैं लिखूंगा। सोचता हूं पहले मैं तुम्हें अपना इतिहास बता दूं। 9 साल की उम्र में पहला खून किया था मैंने, और अब तुमने अपनी जबान बंद नहीं की तो वही इतिहास अभी दोहरा दूंगा। नहीं कृष्णा, नहीं, प्लीज, नहीं कृष्णा। तुम्हारा समाज गुना की बुनियाद पर खड़ा है। जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा गुनेगार। कान उल्टा पकड़कर मेरे दोस्त को समाज में जगह दिलवाने थे चले थे तुम लोग, अरे तुमने तो उसे दुनिया के दिल से भी उठाकर बाहर फेंक दिया। गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं कृष्णा, गुस्सा आदमी को शैतान बना देता है। शांति शांति, ये क्रांति का वक्त नहीं है कृष्णा। ये रुपया तुम्हारा है, तुम ले जाओ। घर आई हुई लक्ष्मी को बेवकूफ लोग नकारते हैं। ये लक्ष्मी नहीं, हराम का खोटा रुपया है। एक बात याद रखना, कृष्णा 3 चीजें कभी नहीं भूलता, दोस्ती, दुश्मनी और कर्जा। दोस्ती के तुम काबिल नहीं हो, घटिया और कमजोर इंसान से दुश्मनी करना मेरी शान के खिलाफ है। हाँ, एक कर्जा लौटाना है तुम लोगों का। कैसा कर्जा? उल्टा कान पकड़कर जो गुना तुम लोगों ने हमसे करवाया था उसे ब्याज के साथ लौटाऊंगा। हम उस व्यापारी को जिंदा नहीं छोड़ते जो दुश्मनी में ब्याज देता है। इस बर्तन को अंदर करो। जब तुम थूक लगाकर नोट गिना करते थे ना, उस वक्त हमने तुम्हारे जैसे किसी को सल्टा दिया था। डार्लिंग, पत्ता फेंको ना। यस डार्लिंग। ये पंखा किसने बंद किया है? इसे मैंने बंद किया है। तुम अंदर कैसे आए? इस तरह किसी के घर में घुस के ये कानूनी जुर्म है। तूने मेरे दोस्त की खुशियां छीन ली, बर्बाद कर दी उसकी जिंदगी। साथ दुनिया क्या सलूक करती है वो तो मैंने देख लिया। आज तुम तीनों में से एक को फांसी के फंदे पर लटकना होगा, बाकी दो को मैं छोड़ दूंगा। अगर मेरे नाम और काम से वाकिफ हो तो फैसला जल्दी करना। मैं नहीं, मुझे तो मौत से बहुत डर लगता है, मुझे मत मारो। डार्लिंग, सुहागिन मरने से स्वर्ग नसीब होता है। पापा ठीक कहते हैं मम्मी। हटो जी, मैं विधवाहीन जी लूंगी। हाँ, अगर मैं मर गया तो तुमको खिलाएगा कौन, पिलाएगा कौन? आप फिक्र मत कीजिए पापा, मैं मम्मी का ख्याल रखूंगा। और हाँ, मैं आपका श्राद्ध भी करूंगा ताकि आपकी आत्मा को शांति मिले। आप लटक जाइए ना प्लीज। मैं क्यों लटकूं? अगर मैं लटक गया तो मेरी टाइपिस्ट जूली को कौन देखेगा? जूली घोड़ी, मेरी रेस की घोड़ी। मेरी रेस का क्या होगा? मेरी गिरी पाली का क्या होगा? अरे चुप, मेरा क्या होगा? चलो ए मम्मी, ए बाबा। बस क्या यही है तेरा समाज, तेरा खानदान, तेरे माँ बाप? माँ बाप हमारे समाज की बुनियाद है। मैं मानती हूँ कि हमारे देश की समस्या गरीबी है, लेकिन ना जाने कितने ही गरीब बच्चे अपने माँ बाप के बताए हुए रास्तों पर चलकर इसी समाज में मान और सम्मान प्राप्त करते हैं। हमारे बच्चों का भविष्य और उनके जीवन की बागडोर माँ बाप के ही हाथों में होती है। और मैं तो ये कहती हूँ कि अरे झूठ बोलती है इंदिरा सिन्हा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मिसेज इंदिरा सिन्हा से कि ये अपनी बेटी की शादी एक अनाथ होनहार गोल्ड मेडलिस्ट अविनाश के साथ क्यों नहीं कर रहे? जबकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे पे जान देते हैं। अरे ये प्यार की दुश्मन है इंदिरा सिन्हा।
अगर आज के बाद तुम इंदिरा सिन्हा के आसपास भी नजर आए तो याद रखना कि मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डालकर कानून की ताकत से तुम्हारी जबान पे लगाम लगा दूंगा, समझे? धमकी दे रहे हो कमिश्नर? नहीं, चेतावनी दे रहा। जाओ, घमन के नशे में चूर अपनी बहन को समझा देना कि दूसरों की खुशियां छीनने का हक उन्हें किसी ने नहीं दिया है। ऐसा ना हो कि तुम दोनों भाई बहन लूटे हुए जुआरियों की तरह लोगों के बीच तमाशा बनकर रह जाओ। देखिए, आज आपकी कोई भी प्लानिंग, कोई भी शरारत नहीं चलेगी। जी, I cross my heart and hope to die। यूं तो आपने अपनी बेटी का दिमाग खराब कर दिया है, लेकिन आज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लड़के वाले आ रहे हैं। लफड़े वाले? ओफो, लड़के वाले आ रहे हैं। बहुत बड़ा और ऊंचा खानदान है, हमारी बेटी की तो बस किस्मत खुल गई। लगता है वो लोग आ गए, आइए। चलिए। आई एम सुप्रीम कोर्ट जज जगन्नाथ नारायण प्रसाद चौरसिया। आई एम रिटायर्ड कर्नल शेर सिंह अमर सिंह बहादुर चौरसिया। आई एम इंजीनियर ओम प्रकाश नाथ चौरसिया। आप तो गिर गए। आइए, उठिए उठिए उठिए। आइए आइए आइए। ओह, आप भी गिर गई। उठिए उठिए उठिए। आइए आइए। तुम तो कहती थी बड़ा ऊंचा खानदान है, तो बड़ा गिरा हुआ खानदान है। आइए आइए। लड़की कहाँ है? बस वो अभी लड़की बस आती है। लड़की सुनीता, सुनीता बेटा बेटा, वो चाय लेकर आओ। आओ आओ आओ, लाओ ये मुझे दे दो। ये हमारी बेटी है सुनीता, बिस्कुट और कुरमुरा मैन्युफैक्चर करती है। बैठो बेटी, बैठो बैठो। ओहो, आंटी की गोद में नहीं, वहां से उठो बेटा, अभी तो रिश्ता पूरा नहीं हुआ, अभी सास नहीं बनी। उठो उठो उठो। नहीं नहीं पापा, मैं तो यही बैठूंगी। आजा पापा की कसम बेटा, आजा बैठ जा थोड़ी देर के लिए। शाबाश। बहुत मोहब्बती है, बहुत प्यार करती है सबसे मेरी। भाई साहब, आपको घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं? जी नहीं, बड़ी आसानी से आपके भाई साहब का घर मिल गया। मैं इनका भाई नहीं, पति हूँ। जोक, गुड जोक, वेरी गुड जोक। बेटा तुम काम क्या करते हो? जी तुम काम क्या करते हो? मैं इंजीनियर हूँ, धरती के नीचे सुरंग खोदता हूँ। मतलब आप वहाँ भी गिरे हुए हैं? भाई पहली बार इतना गिरता पड़ता खानदान देखा है मैंने। बेटा सबको नमकीन वगैरह ऑफर करो ना। ओके डैडी। सुनीता सुनीता डायरेक्ट अप्रोच करती है, सबको सीधा ही बांटती है। लगता है यार शनि कुछ भारी है। चलिए। अरे अरे अरे, आप सुनिए तो। अरे मेरी बात तो सुनिए, मगर मेरी सुनिए। देखिए देखिए भाई साहब, हम फिर किसी दिन आएंगे, आज शनि कुछ भारी है। चलिए चलिए। अरे कहाँ जा रहे मिस्टर चौरसिया? अरे आप, मैंने कुछ नहीं किया। I cross my heart and hope to die। मैं जानती हूँ तुम दोनों को और तुम दोनों की मिली भगत को। मैं गेट तक छोड़कर आता हूँ। मिस्टर चौरसिया सुनिए, मिस्टर चौरसिया। माँ क्या करेगी, माँ माते कहेगी। माँ क्या करेगी, मामा से कहेगी। कंस मामा, ओ मामा कंस मामा। शकुनी मामा, ओ मामा शकुनी मामा। सासू माँ क्या करेगी, मामा ससुर से कहेगी। सासू माँ क्या करेगी, मामा ससुर से कहेगी। अरे मामा चिल्लाएगा, घर आएगा, धमकाएगा, पहरे बिठाएगा, वो ताले लगवाएगा। हम वो जंजीरें तोड़ आएंगे, तेरे लिए दुनिया छोड़ आएंगे। हम वो जंजीरें तोड़ आएंगे, तेरे लिए दुनिया छोड़ आएंगे। Thank you.
माँ क्या करेगी, मामा से कहेगी गोली चलेगी सीने में लगेगी। कंस मामा मारेगा दुष्ट मामा, शकुनी मामा जालिम शकुनी मामा। देखेगा जमाना होगा सबके होंठों पे इनका ही फसाना। प्यार में हम हंस के जान गवाएंगे, परसों तक सबको याद आएंगे। अरे प्यार में हम हंस के जान गवाएंगे, परसों तक सबको याद आएंगे। काची काची माची साची लाची पाची राची रे, आची काची माची साची लाची पाची राची रे। माँ बाओं का अत्याचार जाना पहचाना है, कंस और शकुनी से वाकिफ जमाना है। माना तेरा भाई है मगर वो कसाई है, उसके सामने तू अपनी गैया को क्यों लाई है। तू ना अन्याय कर, तू तो जज माई है, तू तो जज माई है, तू तो जज माई है। गुड़िया जैसी लड़की है और गुड्डे जैसा लड़का है, इन दोनों का जोड़ा देख कितना अच्छा लगता है। याद कर अपनी जवानी के दिन याद कर, झूठी जिद छोड़ देना बच्चों को बर्बाद कर। तूने जो किया तेरी औलाद भी करेगी, वो तेरी ही तो कदमों के निशानों पे चलेगी वो। मान जाओ दादी चाची फूफी मामी मान, तू तुझको खिलाऊ मोती चूर के सौ लड्डू। प्यार के दुश्मन तो हार जाते हैं, दीवाने बाजी मार जाते हैं। दुश्मन को हार जाते हैं, दीवाने बाजी मार जाते हैं। देखो इंदिरा, जो कुछ भी हो गया सो हो गया। मेरी मानो तो हमें जल्द से जल्द सुनीता का ब्याह कर देना चाहिए। भाई साहब मैं भी यही चाहती हूँ। सुनीता कहाँ जा रही हो? अविनाश से मिलने। तुम इस घर से कदम भी बाहर नहीं रखोगी मेरी इजाजत के बिना। कौन होती हैं आप मुझे रोकने वाली? अपनी माँ से किस तरह बात की जाती है वो तमीज भी भूल गई हो तुम? ये मेरा जाती मामला है, मैं बालिग हूँ, मुझे जो करना है वो मैं करूँगी। अब तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी, समझी? पोंची 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 ए पोंची 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 ए सब ये सब। अरे किधर जा रहा है सब? शिटारो बोंग डोंग डोंग पोंच शिटारो डोंग पोंची पोंची। माय डॉग माय गॉड, पाइकला से लाया चीज पोखरी में पाया, तुम उसका रखवाला डोंडो डोंडो पोंची। मैं बड़ा अंदर किधर जाता है? ये मामूली कुत्ता नहीं कोचे, रखवाली नहीं करता, दिल पर राज करता। इधर देखो डांस की महारानी जोधाबाई। जोधाबाई? अरे वो तो अकबर की बीवी थी। अरे मुगले आजम देख के हर आदमी यही समझता कि उसे इतिहास मालूम मालूम मालूम। हिस्ट्री हिस्ट्री बीस्टी बीस्टी। ए खोचे तुमको कितना मिलता है? 500 रुपए। तो फिर जाओ कुत्ते को खोचे ढूंढो, पकड़ो पकड़ो। अगर कुत्ते को पकड़ा ना तो फ्रांस की महारानी जोधाबाई तुमको 5 लाख रुपए देगा। देखो 5 लाख। चल यार कुत्ते को पकड़ते हैं, चल चलो चलो। जाओ।
तूने मेरे दोस्त का घर बसा दिया। थैंक यू भगवान, थैंक यू। ए कृष्ण, अविनाश का घर तो बसा दिया तूने, मालूम है मैं 21 बरस की हो गई हूँ, मेरा घर कब बसाएगा रे? अरे तू फिकर मत कर, जैसे शाहजहां ने मुमताज के लिए ताज महल बनाया था ना, मैं तेरे लिए कुतुब मीनार बनाऊंगा। कुतुब मीनार? हाँ। मेरे को नहीं चाहिए कुतुब मीनार, मुझे घर चाहिए, घर, एक छोटा सा सुंदर सा कहीं दूर। घर बसा देना कृष्णा। अरे तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन?
ब्याह करेगी मुझसे? मामा जी खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़े तो गोली चला दूंगा। ए शर्म, ए हया, घर की इज्जत नीलाम कर रही हो, चलो। पहनकर किसी को भी जान से मार देंगे और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। कृष्णा, आज मैं तुमसे कहती हूँ, कृष्णा जा और पूछ उस वर्दी वाले से, किस कसूर के लिए मारा है उसने अविनाश को। जा कृष्णा जा, आज तुझे दादा की कसम, जा जा कृष्णा जा, आज तुझे अविनाश की दोस्ती का हक अदा करना है, जा। राणा प्रताप सिंह, कमिश्नर राणा प्रताप सिंह, हथियारा कहूंगा मैं, वर्दी पहनकर निर्दोष और मासूमों का हथियारा। अगर तेरे खून में इतनी गर्मी है तो मुझ पर हाथ उठाकर दिखा, सीधा शमशान पहुंचेगा, हॉस्पिटल तक तुझे नसीब नहीं होगा। शट अप, शट अप, शट अप, बंद कर। राणा प्रताप, मेरे लिए काल कोठरी और घर की कोठरी में कोई फर्क नहीं है। मेरे दोस्त की मोहब्बत को ना तुम्हारा कानून छीन सकता है, ना तुम्हारी ये वर्दी। आज के बाद जो भी दीवार बनने की कोशिश करेगा, उस दीवार को गिराकर मैं हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाऊंगा। तुम यही सड़ सड़ के मरोगे और तुम्हारा दोस्त जिंदगी भर अपनी मोहब्बत के लिए तरस तरस के मरेगा। ये कमिश्नर राणा प्रताप का वचन है। देखिए, प्लीज इनके डॉक्टर को बुला दीजिए, मुझे इनकी तबीयत के बारे में पूछना है। सुनीता, तुमको कितनी बार मना किया है कि अविनाश के बारे में सोचना भी मत। खबरदार, आगे से इस टेलीफोन को हाथ भी लगाया तो। मम्मी, शट अप। आई लव यू अविनाश, आई लव यू। यहाँ किस लिए आए आप लोग? आपसे मिलने। बड़ी इज्जत करते हैं हम आपकी, कानून के आदमी हैं आप, बहादुर निर्भय। आप ही के कानून ने ये पेपर्स दिए हैं, जमानत के पेपर्स, कृष्णा के बेल पेपर्स। जल्दी जल्दी कीजिए कमिश्नर साहब, सरकारी दफ्तर में काम जल्दी जल्दी होना चाहिए। हवलदार, कृष्णा को छोड़ दो। थैंक यू, थैंक यू। पान खाएंगे आप? शट अप। ये पान नहीं खाएंगे, पान हम खाएंगे लक्ष्मण। कृष्णा, अरे ये लोग क्या तुझे हवालात में रखेंगे, एक ही झटके में ले आए ना बाहर हम। अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि मुझे रिहा कराकर तुमने हम पर एहसान किया है तो ये तुम लोगों की गलतफहमी है। इस आजादी के बदले मैं तुम लोगों की गुलामी करूंगा, ये सपने में भी नहीं सोचना। और कराओ बेल, बेल के कागज का भेल बनाकर चला गया, खाओ और चौपाटी जाकर मजा करो।
अब की बारे छूटा तो बिना तेल के हमारी ऐसी चंपी करेगा कि हम खुद की सूरत भी आईने में नहीं पहचान पाएंगे। पान दे पान, पहले पान चबाता हूँ, बाद में उस साले कृष्णा को चबाता हूँ। घर से भाग रही हो? मैं अविनाश के बिना नहीं जी सकती। तुम्हारे जीने मरने का फैसला मैं करूंगी, मैं समझी? मम्मी आपको ये फैसला बदलना होगा। इंदिरा, इस तरह जवान बेटी पर हाथ नहीं उठाते। आप इस मामले के बीच मत पड़िए। मैं बाप हूँ इसका, तुम शायद माँ की ममता भूल गई हो, लेकिन एक बात याद रखो, सुनीता को इस चार दीवारी में कैद करके अविनाश के प्यार का जुनून कम नहीं हो जाएगा। उसे भी रोकना मुझे आता है। दिला दिया कृष्णा को कि इंदिरा सिन्हा कातिल है? कोई शक नहीं, पूरा भरोसा है तुम पर। आओ मेरे पास आओ, तुम इनाम के हकदार हो, आओ। हिम्मत है
तो सुन, तू इंदिरा सिन्हा का बेटा है, वो तेरी माँ है, और ये कमजोर इंसान जो जिंदगी भर तुझे प्यार की जगह बैंतों से मारता रहा, फादर फ्रांसिस तेरा सगा बाप है। इंदिरा सिन्हा कभी एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि शायद ही किसी ने किसी से किया होगा। मगर किस्मत को हमारा सुखी संसार मंजूर नहीं था। अचानक एक दिन वक्त की बिजली गिर पड़ी। मुझ यतीम को जिस फादर ने पाला था, उसने मरते वक्त मुझसे मेरी परवरिश का मुआवजा मांगा कि इन यतीम बच्चों की परवरिश करनी है तुझे। मैं वचनबद्ध था तुझे, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं। फिर उसके बाद तेरा बाप धर्म की राह पर पाप का बोझ लिए चलता गया, और तेरी मां अपनी छाती में ममता की चिता लिए कर्म के रास्ते पर चलती गई, और फिर हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए कि जहां से वापस लौट कर आना नामुमकिन था। वाह, एक धर्म की राह पर चला गया और दूसरा कर्म की, और दोनों में से कोई लौट कर नहीं आ सकता। ये मेरा बचपन मुझे कौन लौटा कर देगा? मेरे प्यार, मेरे दुलार को कौन लौटा कर देगा? कौन देगा उन गुनाहों का हिसाब जो कि आप लोगों ने और भुगतना पड़ा इस बेगुनाह को? मुझे मेरा गुजरा हुआ कल लौटा कर दो फादर फ्रांसिस, लौटा कर दो मेरे गुजरे हुए पल को, सब कुछ तुम्हें लौटा कर देना होगा। वरना सांस निकलते वक्त तुम्हारी आत्मा तुम्हें माफ नहीं करेगी, फादर फ्रांसिस कभी माफ नहीं करेगी। कल को लौटा कर वापिस लाने की ताकत तो भगवान के पास भी नहीं है। हम तो गुनाहगार इंसान हैं। मैं अपने गुनाह कबूल करता हूं। बच्चे वो नहीं होते जिनको अपने मां बाप का पता नहीं होता। नाजायज वो मां बाप हैं जो अपने बच्चों को दुनिया में सजा भुगतने के लिए छोड़ जाते। मैं बाप हूं तेरा, बेटे मुझे अपने कदमों में सर रखने देगा? बेटे तू तो दुख भुगत कर मुक्त हो गया, मैं अभी भी अपने पाप के बोझ तले दबा हुआ हूं। दुख सहने की आदत है मेरी, मेरे पांव छूकर पाप सहने की आदत मत डाली है फादर फ्रांसिस। वाह पार्टनर वाह, किस्मत भी तुम्हारे साथ अजीब अजीब मजाक कर रही है। तकदीर मेरी मुट्ठी में बंद है लक्ष्मण, मैं जब चाहूं तकदीर की तकदीर बदल डालूंगा। कैसे जीवा कैसे? कृष्णा तुम्हारा हथियार, तुम्हारी तलवार, वो जान गया है कि तुम्हारी दुश्मन इंदिरा उसकी माँ है। कसम मैंने खाई है लक्ष्मण, क्योंकि मेरा बेटा फांसी के फंदे पर चढ़ा है। इंदिरा सिन्हा खुद अपने हाथों से अपने बेटे कृष्णा को फांसी के फंदे पर लटकाएगी।
तुम्हें इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? ये घर मेरे पति अशोक सिन्हा का है। जानता हूं, पर आना जरूरी था। जो सच तुमसे आज तक छुपाया गया है, अब तुम्हें उसे जान लेना चाहिए। सच तो यह है, जिसकी जान लेने के लिए तुमने यह पिस्तौल उठाई है, उस कृष्णा की जन्मदात्री तुम हो। कृष्णा तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा अपना बेटा। ये झूठ है। तुम उसकी मां हो। ये झूठ है, ये झूठ है। तो मरा हुआ पैदा हुआ था। नहीं, ये सच तुमसे हमेशा छुपाया गया था। अब तो कृष्णा भी जान गया है कि तुम उसकी मां हो। ये सच्चाई जान लेने के बाद भी क्या तुम उसकी जान लेना चाहोगी? सच से परिचित कराना मेरे लिए बहुत जरूरी था। इंद्रा, तो ठीक है ना? क्या यह सच है कि कृष्णा ने तुझ पर गोलियां चलाई? मैं इसकी जान ले लूंगा, मार डालूंगा उसको। मार तो तुमने उसे 20 बरस पहले डाला था, अब जान लेना चाहते हो? तुम्हें यह हक किसने दिया भैया, किसने दिया? एक माँ से उसके बच्चे को जुदा क्यों किया भैया, क्यों किया? जवाब दो, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया? ये झूठ मुझसे क्यों बोला, क्यों बोला भैया, झूठ क्यों बोला? तो क्या करता मैं इंद्रा, क्या करता मैं? क्या जवाब देता समाज को कि मेरी बहन बिन ब्याही माँ बन गई? अरे कौन कबूल करता तुझे? मेरा झूठ झूठ नहीं था इंद्रा, पर्दा डाला था मैंने ताकि तू दुनिया के सामने इज्जत से जी सके। हाँ इंद्रा, जब समाज उंगलियां उठाता है ना, तो पाताल में भी जीने की जगह नहीं मिलती इंद्रा, पाताल में भी जीने की जगह नहीं मिलती। नहीं राणा प्रताप, भरोसा नहीं है तुम्हें, किसी पर भरोसा नहीं है। अरे विश्वास तो किया होता मुझ पर। अगर इंद्रा को मैंने अपना नाम दिया तो उसके लिए उसने जीवन भर की खुशियां भी तो दी है। अगर इंद्रा को मैंने अपना सब कुछ दिया तो उसका सब कुछ मुझे भी तो अपनाना चाहिए। कृष्णा जैसे लड़के को अगर मैं अपना नाम देता, ये अशोक सिन्हा के लिए बड़े फक्र की बात होती। ये सब कहने की बातें हैं मिस्टर अशोक सिन्हा। 15 साल तक मेरी बहन की वफा को परखने के बाद आज तुम ये बातें कह सकते हो, लेकिन उस वक्त तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या तुम एक नाजायज औलाद के साथ अपनी बहन का रिश्ता लेकर किसी के पास जा सकते थे ये उम्मीद करके कि वो उसे अपना लेगा? नहीं अशोक सिन्हा, नहीं। हम लोग इंसान हैं और इंसानों की दुनिया में रहते हैं। उस वक्त मैंने वही किया तो दुनिया का हर भाई करता, हर भाई करता। नाको मेरी अदालत के सामने खड़ा नहीं किया तो लटका दूंगा सबको फांसी के तख्ते पर। ले चलो इन सबको, चलो।
अब ये सोचने का वक्त नहीं है इंदिरा। उठ, तेरा कर्म तुझे पुकार रहा है। अपने खून को आवाज दे, सिर्फ एक बार उसे अपने आंचल से ढक ले, फिर देखना होनी टल जाएगी, मां की पुकार खाली नहीं जाएगी। एक कानून परस जज अंधेरी रात में एक गुनहगार के घर, किसी ने देख लिया तो आपकी इज्जत का क्या होगा? इज्जत तो किस छोटी इज्जत और शान की बात कर रहा है कृष्णा? आज तो एक मां आई है अपने बेटे के दरवाजे पर। बेटा, मिसेज इंदिरा सिन्हा, ये वो घर है जहां की दीवारें तक बेटा लफ्ज नहीं सुन सकती और ना ही उसका मतलब समझती है। क्या तुम्हें फ्रांसिस ने नहीं बताया कि मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ? धर्म की राह पर चलने वाला वो धर्मात्मा अपना आखिरी फर्ज भूल जाएगा, इसका यकीन आपने कैसे कर लिया? फिर भी तू आज अपनी माँ को देखकर ये नहीं समझा कि वो अपने बेटे को गले लगाने आई है? नहीं, ये हक मैं आपको हरगिज़ नहीं दूंगा। क्या मैं मेरे सामने खड़ी इस महान औरत से पूछ सकता हूँ कि उस वक्त उसकी ममता कहाँ थी जब घर से उठाकर मुझे अनाथाश्रम में फेंक दिया गया? उस वक्त उसकी ममता कहाँ थी जब मेरे हाथों में बेटे मार मार कर मेरे भाग्य की रेखा बदल दी गई? उस वक्त उसकी ममता कहाँ थी जब इंसाफ की दवी की तरह आंखों में पट्टी बांधकर मुझे ऐसे हवाल खाने में फेंक दिया गया जहां से लौटकर मुझे लोगों ने इंसान तक मानने से इनकार कर दिया? बताइए, तू ये समझता है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया? मैं तो दुनिया से लड़कर भी तुझे पालने को तैयार थी बेटे, पर दुनिया से आज तो कोई जीत पाया है जो मैं जीतती? बेटे, इस समाज ने तुझे मुझसे छीन लिया। फिर आज किस भगवान ने आपको दर्शन देकर ये कह दिया कि जा, जाकर अपने उस बेटे को गले लगा ले, 20 साल की जुदाई के बाद मैं तुम लोग को समाज में जगह दिलवा दूंगा। जाइए मिसेस इंदिरा सिन्हा, जाइए जाइए। ये मत भूल बेटे कि इसी माँ ने 9 महीने तुझे अपनी कोख में रखा था। अच्छा अच्छा, तो आज आप उस एक रात की ममता और अपनी कोख के कर्ज का मुआवजा मांगने आई है? तू एक माँ से मुआवजे की बात कर रहा है? दुनिया का कोई भी बेटा उस कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता बेटे, जो एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखकर अपने खून से सींचती है। उस एक पल की पीड़ा को दुनिया की कोई औलाद नहीं जान सकती जो माँ उसे पैदा करते हुए सहती है। ठीक है बेटा, मैं जाती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि मैं खुद कर्ज होकर नहीं, तुझे तेरा फर्ज याद दिलाने आई थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा बेटा आंचल के दूध से ज्यादा शराब की बोतल से प्यार करता है। अपनी खुशी के लिए ये भी जान ले बेटा कि लक्ष्मण और जीवा तेरी बहन को उठा कर ले गए हैं। मैं हार गई बेटा, मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ।
अपने जवान बेटे के पास आखिरी उम्मीद की भीख मांगने आई थी, पर उसने भी मुझे खाली झोली लौटा दिया। रुक मां, एक मां अपने बेटे से भीख नहीं मांगती, आज्ञा देती है। आइए आइए इंदिरा जी आइए, मुझे यकीन था कि आप जरूर आओगी, अगर नहीं आती तो एक एक को गोली से उड़ा देता। मेरी तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है कृष्णा, मेरी दुश्मनी है तुम्हारी माँ इंदिरा सिन्हा से। इस इंदिरा सिन्हा ने मेरे बेटे को फांसी के तख्ते पर लटकाया था, तब मैंने कसम खाई कि इंदिरा सिन्हा खुद अपने हाथों से अपने बेटे को फांसी के तख्ते पर लटकाएगी। देखो मैंने पूरी तैयारी कर ली है, ये रहा फांसी का फंदा और ये रहा रस्सा, लो पकड़ लो रस्सा। चल देखो, तुम्हारा सुहाग, तुम्हारा पति, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा दामाद। कर कर ऊपर, आगे मत बढ़ना, मेरा निशाना बहुत अच्छा है, गोली सिर्फ कंधे को लगी है, तमंचा थोड़ा नीचे कर दूंगा ना तो गोली सीने से आर पार हो जाएगी। रुक जा। चल चल जल्दी बन्ने, चल जल्दी।
फ्रांसिस, फादर फ्रांसिस, फादर फ्रांसिस। राणा प्रताप, मैं जीत गया और तुम हार गए। मुझे अपने बेटे का कंधा ही नहीं, गोद भी नसीब हो गई। हाँ फ्रांसिस, तू जीत गया। हार गया मैं दोस्त, मैं हार गया। इंदिरा, अभी तक मैंने इसका ख्याल रखा था, अब ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूं। नहीं फादर फ्रांसिस, नहीं।